नमस्कार दोस्तों, एक वक्त पोस्ट में फिर से आपका स्वागत है। मैं सर्वेश गुप्ता इस वक्त बुडापेस्ट में हूँ, हंगरी की राजधानी। और एक चीज़ दिखाने के लिए, खास तौर पर एक व्यवस्था दरअसल आप कह सकते हैं, इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर रुका हूँ। ये सड़क देखिए, वाइड एंगल पे लेते हैं, सड़क देखिए, यहाँ पर कार भी जा रही है, पैदल भी लोग जा रहे हैं, ट्रेन भी यहीं से जा रही है, ट्राम भी जा रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा रहा है, साइकिल भी यहीं से जा रही है। कैसे जा रही है, कैसे क्या व्यवस्था है वो देखिए। ये सड़क के साथ ही, ये देखिए गाड़ियाँ जा रही हैं, ये सड़क के साथ ही ये पटरी हैं, रेल की पटरियाँ हैं, और एक नहीं दो दो हैं, एक जाएगी और एक आएगी इसी रोड के ऊपर। यहीं से ट्राम चलती है, यहीं पे बस चलती हैं, यहीं पे कारें भी चलती हैं, निजी टैक्सी भी चलती हैं, और छोटे जो दोपहिया वाहन हैं वो भी चलते हैं। लेकिन व्यवस्था बड़ी शानदार है। कैसे चलती हैं, अभी कोई ना कोई यहाँ पर ट्रेन या ट्राम जो भी आती है, मैं उसकी आपको दिखाता भी हूँ कि चीज़ें क्या। देखिए ट्रैफिक रुका हुआ था, जैसे ही ग्रीन लाइट हुई है तो लोग चले हैं, ये साइकिल भी साथ में जा रही है, साइकिल देखिए, साइकिल भी लोग दौड़ा रहे हैं। और ये आप कहेंगे साइकिल तो हर जगह दौड़ाते हैं, लेकिन यहाँ की साइकिल बड़ी स्पीड में लोग दौड़ाते हैं। साइकिल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ ही आपको दौड़ती हुई नज़र आएंगी। और एक ट्रेन आती है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक शायद वहाँ से एक ट्रेन आ रही है। ये देखिए सड़क के ऊपर ही पटरियाँ हैं, लेकिन व्यवस्था इतनी शानदार है कि वो ट्रेन आप तस्वीर में देख पा रहे हो, नज़दीक आएगी तो भी दिखूँगा। चार डिब्बे इसमें हैं, आगे पीछे ड्राइवर की व्यवस्था है, यानी कि जैसे हमारे मेट्रो में होती है वैसे ही व्यवस्था यहाँ पर है। तो एक ट्रेन आने का रास्ता है, एक ट्रेन जाने का है, क्योंकि राइट हैंड ड्राइविंग है इसलिए वो राइट साइड से ट्रेन आ रही है। इसमें चार डिब्बे हैं, कुछ लोग हो सकता है इसको ये कहें कि ये ट्राम है, लेकिन ट्राम अलग है, वो आपको आएगी तो वो भी दिखाऊंगा मैं ट्राम कैसी होती है। एक ट्रेन यहाँ पर खड़ी है इस चौक पर, और एक ट्रेन ये आ चुकी है, महिला इसको ड्राइव कर रही है, महिला ड्राइवर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, ये इनको ड्राइव कर रही है। और ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, इसमें छः डिब्बे हैं, इस ट्रेन में छः डिब्बे हैं, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है। और एक देखिए सामने से एक ट्रेन और आ गई इसी के साथ में, वो ये इधर से उधर गई है और वो इधर से इधर आई है। ये देखिए क्योंकि रेड लाइट है, ये चौक है, इस चौक पे रेड लाइट है, तो वो ट्रेन अब रुक गई है, यहाँ पे स्टॉप भी है दरअसल यहाँ, और चूंकि स्टॉप है तो अब ये सवारियाँ लेगी। एक ट्रेन जाने की तैयारी में खड़ी है, एक ट्रेन आने की तैयारी में, सड़क के ऊपर ही, कोई फाटक नहीं, कोई क्रॉसिंग नहीं, लोग इतने समझदार हैं, सिविक सेंस बेहद शानदार है। और ये दिखाने के लिए मैं रुका था, ट्राम भी अगर अभी आ गई तो मैं दिखाऊंगा, नहीं तो किसी और रास्ते पे आपको दिखाऊंगा। मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, व्यवस्था कितनी है, कोई हॉर्न आपको सुनाई नहीं दिया होगा, होता भी नहीं है, हूटर की मुझे जरूर एक दो बार आवाज़ें आई है, मैं कल से यहाँ पर हूँ। कोई एम्बुलेंस अगर जाती है तो वो इसी रास्ते से निकलती है, अदरवाइज़ कोई हॉर्न नहीं देता, सभी अपने आप रुकते हैं, लोग यहाँ पर वेट करते हैं जिसको वेट करना होता है। देखिए ये लोग वेट कर रहे हैं, और जैसे मैंने बताया कि अब ये आ गई है, इसमें भी डिब्बे कई सारे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः डिब्बे हैं इसमें। और कमाल की बात यह है कि कल मैंने किसी से पूछा था, जो हंगेरियन है यहाँ पर, हंगरी में के जो लोग हैं, उनसे मैंने पूछा था कि भाई ये टिकट कैसे होती है, कहते भी ऐप आती है इसकी, ऐप डाउनलोड करें या फिर यहाँ से ले लें। और कमाल की बात तो ये है कि 3 से 4 यूरो के बीच में 24 घंटे के लिए आपको सफ़र फ्री मिल जाता है, यानी कि एक्सेस हो जाता है सफ़र सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, वो बस हो, वो ट्राम हो, मेट्रो हो, रेल हो, कुछ भी हो, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पे आपको 24 घंटे के लिए एक्सेस मिल जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे लाइट है, तो ये सवारी जो है, ये लोग जो है यहाँ पर खड़े हैं इंतजार में, ऐसे नहीं होता है ज़बरदस्ती कोई क्रॉस करेगा, सिविक सेंस बेहद अच्छी है यहाँ लोगों के बीच में। और अभी आपने देखी थी ट्रेन गई है, कुछ सेकेंड्स ही हुए हैं कि एक ट्रेन उड़ा गई है, मतलब पब्लिक सर्विस बेहद शानदार है, आपको वेट करना ही नहीं पड़ता है। हरियाणा में जो स्थिति है और यहाँ पर जो स्थिति है, या हिंदुस्तान की जो स्थिति है और यहाँ की स्थिति है, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं, कितनी सेकेंड्स हुई हैं, उसके बाद में एक ट्रेन और आ गई है, उनमें लोग बैठेंगे और जिसको जहाँ जाना है वो जाएंगे। अक्सर लोगों के पास में पासिस ही होते हैं इस तरह के, वो लोग इसमें सीधे चढ़ते हैं और फिर जहाँ उनको उतरना होता है वो उतर जाते हैं। ये इधर से वो ट्रेन खड़ी है, और उधर सामने से भी देखिए एक ट्रेन और आ गई है, एक आने की एक जाने की, जैसे मैंने बताया था आपको, दोनों रास्ते हैं, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन जा रही है। और इस ट्रेन में
आगे आप ध्यान से देखना, आगे बैठने का रास्ता है, बैठने की जगह है इनफैक्ट ड्राइवर के लिए। और बड़ी मस्ती में गोगल्स लगा के ब्लैक ये ड्राइवर जो ये शानदार तरीके से चला रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी है और ट्रेन खचाखच भरी है, आवाज़ वैसी आती है ट्रेन की जैसे हमारी चलती है टकाटक। और ये देखिए ये इधर से जा रही है, दोनों तरफ ट्रेन आ रही हैं जा रही हैं, इधर से बसें जा रही हैं, बस लगी हुई हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं। एक ही सड़क है, एक ही सड़क पे ट्रेन भी हैं, कार भी हैं, बसेस भी हैं, पैदल भी हैं, साइकिल भी हैं, शानदार। किसी के बीच में कोई क्लेश नहीं है, कोई क्लैशेज नहीं है। और ये एक व्यवस्था हंगरी में बुडापेस्ट की मैंने आपको दिखा दी। अब चूँकि रेड लाइट है तो जेब्रा क्रॉसिंग से लोग सड़क को क्रॉस कर रहे हैं। इस वीडियो को दबा के शेयर करें, खुल के कमेंट करें और अगेन आप देखते रहें एक बार पोस्ट।